क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहली चीज तो ये आती है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है हमें, लाइफ प्रोसेस, जीने का पूरा प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है, इट इज द बेसिक एक्टिविटी डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए जो एक्टिविटीज हम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है ना, द बेसिक एक्टिविटी या द बेसिक प्रोसेस। ठीक है, जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है कोई चीज नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंस हम ऐसे बता सकते हैं, दोज कैन ग्रो, जो बढ़ सकता है वो कैसा है, जिंदा है, और क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, ग्रो मतलब बढ़ सकता है, मूवमेंट मतलब अपना चल सकता है, रिप्रोड्यूस का मतलब एक से दूसरी जनरेशन उसमें से क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, जैसे कि एक किसी भी पर्सन के बच्चे जो होते हैं तो वो क्या है, रिप्रोड्यूस होना है ना। एक बड़े प्लांट के छोटे छोटे पौधे भी हम बना सकते हैं उसके सीड की हेल्प से, उसके बीज की हेल्प से, तो वो भी क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस। तो ये जनरल जो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, लिविंग हैं, जिंदा हैं। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, ना वो बढ़ रहा है, ना वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ना वो खुद से मूवमेंट कर पा रहा है। खुद से मूवमेंट करना है हमें, नहीं उसको ऐसे रोल कर देना है। अब ये मार्कर है, ये कैसा है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ना तो ये ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है मैं आज रख दूं तो कल ये बहुत इतना बड़ा हो जाए या इतना बड़ा हो जाए, इतना ही रहेगा। क्यों रहेगा इतना, क्योंकि ये कैसा है, नॉन लिविंग। ठीक है ना, क्या ये खुद से मूव कर सकता है, मैंने ऐसा रख दिया, क्या ये खुद से मूव कर सकता है, ऐसे हम चल सकते हैं, क्या ये चल सकता है, नहीं चल सकता है। ठीक है ना, दूसरा भी कैंसिल हो गया। रिप्रोड्यूस, क्या इससे दूसरा मार्कर अपने आप बन जाएगा, नहीं बन सकता है। तो ये कैसी चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ लिविंग थिंग्स, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यस इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, डिपेंड करता है कुछ प्रॉपर्टीज पर। ओके, तो ये होता है आपका लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस होगा तो उसमें कुछ जनरल एक्टिविटीज वो करेगा, क्या क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन इनटेक करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो लेगा तो द फूड रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग बेसिक एक्टिविटीज। कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी जनरल काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिशन से। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जो भी हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, अभी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम फूड, खाने से, जो हम खाना खाते हैं, तो वही खाना हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिशन। ओके, पहला प्रोसेस आपका क्या हो गया, न्यूट्रिशन को आपने लिया। और क्या होगा इसके बाद में, फिर होगा डाइजेशन। ओके, डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में
जो न्यूट्रिशन है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट करेगा, यानी कि वो टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हमारे काम की हैं वो हमें मिल जाएं। हमारे काम की क्या चीज़ हो सकती है, सिंपलर चाहिए हमें, खाना हम जो खाते हैं वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को इंटरनल पार्ट्स को चाहिए, जैसे सेल्स को, ऑर्गन्स को, वो कैसा चाहिए होता है, सिंपलर फूड, ठीक है। वो सिंपलर फूड कब मिलेगा, डाइजेस्ट होने के बाद, कब मिलेगा उसके बाद, जब वो रेस्पायर होगा, क्या होगा, रेस्पायर होगा किसके थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। वो क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बॉडी का मतलब सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स इज सेल, ठीक है ना। सेल क्या होता है, वो छोटी चीज होती है जिससे मिलकर कोई भी लिविंग थिंग्स बने हैं, हमारी बॉडी बनी है किससे मिलकर बनी है, सेल से, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्रीट कर देते हैं, एक्सक्रीशन की हेल्प से, एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब जो हार्मफुल और टॉक्सिक जो वेस्ट होता है, जो खाना खाने के डाइजेस्ट होने के बाद जो टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उसे वो बॉडी से थ्रू आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ओके। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये जो हमने बात की है एज एग्जांपल एनिमल या ह्यूमंस की बात की है, तो हम इसमें अब न्यूट्रिशंस को पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिशंस कितने टाइप्स के होते हैं। जो न्यूट्रिशंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, सेकंड हेटरोट्रॉफिक। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहां पर ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जो खुद से ही बना लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल हेटरोकम बाद में देख लेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। क्यों, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ होता है न्यूट्रिशन उनका, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। इसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th में, 7th में, 8th में बार बार आती है डेफिनेशन, क्या होती है, एक बार आप खुद से सोचिए, बाकी मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मेक देयर own food with the help of chlorophyll carbon dioxide water in the presence of sunlight, sunlight की presence में
क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो प्रोसेस होता है, जो ये फूड बनाने का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, इसकी रिएक्शन क्या होती है? सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ये दोनों इस रिएक्शन में कंबाइंड होते हैं हेल्प इसके लिए, क्लोरोफिल की। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की में। क्या मिला हमें? C6H12O6। ये क्या है आपका? ग्लूकोज। यही क्या है उसका? फूड। प्लस सिक्स मॉलिक्यूल मिलते हैं ऑक्सीजन के और सिक्स मॉलिक्यूल वाटर। ओके, ये रिएक्शन होती है प्लांट्स में जब वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिक्स मॉलिक्यूल किसके लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड के। 12 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं? वाटर के। फिर क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है इससे? ग्लूकोज, ठीक है ना। यही क्या है उसका? फूड है, फूड सप्लीमेंट है जो उसे चाहिए। और साथ में क्या निकल जाता है उसमें से? ऑक्सीजन, जो हमारे काम आती है, प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जो उसकी लीफ से बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के टर्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड था हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो से मतलब अदर, जो अदर से या अदर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, या जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ये क्या होते हैं? डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल्स, जो दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फॉर देयर न्यूट्रिशन। डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी चीजें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं इसी बेस पर, अकॉर्डिंग टू देयर फूड रिक्वायरमेंट। फूड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू फूड रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल बोल दो, कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट इज हर्बीवोरस, सेकेंड इज कार्निवोरस, एंड द थर्ड इज ओमनीवोरस। ओके, तो तीन कैटेगरी में हमने रख दिया। पहला है हर्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस, एंड थर्ड है हमारा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? ये फर्स्ट जो हर्बीवोरस होते हैं वो हमारे फर्स्ट या प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। वो कौन से होते हैं हमारे? प्राइमरी। तो दोज डिपेंड ऑन प्लांट। किस पे डिपेंड होंगे? प्लांट पे। किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। फॉर एग्जाम्पल, डियर गॉट, है ना, हिरन है, बकरी है, ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, केवल और केवल क्या खाते हैं? हरी सब्जियां, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सेकंड कार्निवोरस, दोज
डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, लॉयन कैसा होता है? जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। ओके, टाइगर। थर्ड ओमनिवोरस, ओमनिवोरस डिपेंड होते हैं किस पर? ऑन बोथ, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी, तो दोनों ही तरीके की चीजें खा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। इसका तो सीधा सा एग्जांपल हम ही हैं, ह्यूमंस। ठीक है, इंसान जो होता है वो दोनों पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। इससे ये मतलब नहीं है कि कुछ शाकाहारी हैं वो केवल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं तो उनको हम ओमनिवोरस में क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, प्रॉपरली किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमंस जो होते हैं वो किस में आते हैं? ओमनिवोरस में। ओके, ये कुछ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के सब डिवाइडेड पार्ट्स थे अकॉर्डिंग टू द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग थिंग्स, उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा डेफिनेशन या उसके बारे में हमने पूरा आज देख लिया। ओके।